दो मैट्रिसेज ए और बी दे रखे हैं जिसका साइज एन बाई एन है यानी कि दोनों स्क्वेयर मैट्रिसेज हैं आपसे पूछा गया है कि इन करेक्ट स्टेटमेंट्स कौन सी है या कौन कौन से हैं तो हम जानते हैं कि ट्रेस ऑफ ए बी ये इक्वल्स होता है ट्रेस ऑफ बी ए के तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है फर्स्ट ऐसे ही डिटर्मिनाट ऑफ ए बी ये इक्वल होता है डिटर्मिनाट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनाट ऑफ बी इसको मैं लिख सकता हूँ डिटर्मिनाट ऑफ बी इन टू ऑफ ए और इसको लिखा जा सकता है डिटर्मिनाट ऑफ बी ए यानी कि ऑप्शन बी भी आपका करेक्ट है अगर हम ऑप्शन डी की बात करते हैं तो हम जानते हैं रैंक ऑफ ए बी ये एटमोस्ट होती है मिन वैल्यू ऑफ रैंक ए कॉमा रैंक बी से और एटलीस्ट होती है रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी माइनस एन अगर यहाँ पर ए बी जीरो मैट्रिक्स है तो जीरो मैट्रिक्स की रैंक को हमने जीरो डिफाइन किया है तो ये हो जाएगा रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी माइनस एन लेस देन इक्वल्स टू जीरो और ये फर्दर इम्प्लाई करेगा यहाँ पर रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी लेस देन इक्वल्स टू एन और एन लेस देन होगा टू एन से तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी भी करेक्ट है तो जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है यहां पर वो कौन सी है सी तो यही हमारे लिए की होगा